नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। भाजपा के नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने संगठन की अपनी पहली बैठक गाजियाबाद में की, जिसमें भाजपा की पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र के 38 जिलों की बैठक में धर्मपाल के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई सांसद भी मौजूद थे। इसे समझा जा सकता है कि ब्रज क्षेत्र और वेस्ट यूपी भाजपा के लिए कितना अहम है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिमी यूपी में सीएम का दौरा और फिर संगठन मंत्री की पहली मीटिंग भी पश्चिमी यूपी में रखी गई। इसे समझा जा सकता है कि ब्रज क्षेत्र और वेस्ट यूपी भाजपा के लिए कितना अहम है। इसको लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में सपा रालोद संगठन को कमजोर करने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। साथ ही एसटी वोटर्स को साथ कर बसपा को भी भाजपा कमजोर करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम और ब्रज में 27 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से 20 सीटें भाजपा के पास हैं। पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद के एक संगठन की चुनौती के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहले से ही अधिक सीटें हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि दोबारा यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर का दौरा किया। सीएम ने पार्टी संगठन के साथ मिलकर मिशन 2024 के लिए माइक्रो प्लान भी तैयार किया। इस माइक्रो प्लान पर अमल शुरू हो गया है, जिसके तहत सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी मंडल के साथ पश्चिमी यूपी की राजनीति को प्रभावित करने वाले सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ और पूर्वांचल के आजमगढ़ मंडल की कमान खुद के पास रखी है। इसके लिए दो तरीके अपनाए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है ये प्लान। पहला, बेहतर कानून व्यवस्था के साथ वेस्ट यूपी और ब्रज क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरा, संगठन के कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरकर घर घर संपर्क अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने इस बैठक में कहा, संगठन सरकार से बड़ा होता है। केशव का भाषण खत्म होने के बाद सामने बैठे भाजपा पदाधिकारियों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि कहीं वो फिर से प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बन रहे। इसके पीछे भी वजह थी, केशव का पूरा भाषण संगठन की ताकत बताने पर था। वो मिशन 2024 के लिए संगठन की मजबूती का ब्लूप्रिंट लेकर आए थे। उन्होंने मंडल और बूथ स्तर तक काम करने की योजना पेश की। इसी से यह चर्चा चल पड़ी कि वह नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आगे चल रहे हैं। भाजपा के नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह आते ही काम पर लग चुके हैं। इस वक्त भाजपा का हर मंत्री, हर सांसद 2024 को आधार बनाकर काम कर रहा है। लेकिन इस बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य का बयान चर्चाओं का विषय बन रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केशव के बयान पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।